वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सेंटर। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय की कल यानी कि दिनांक 11 तारीख 2021 में एग्जाम हुआ। जो क्वेश्चन मेरे पास है उसको मैथ का सोल्व कर रहे हैं, तो जो लोग अपना गलत या सही मारे हैं अपना आंसर मिला लें। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 202,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। कह रहे दोस्तों कि 202,000 अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि 202,000, तो दो इकाई हुआ, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो दोस्तों गिनना है कि 202,000, तो इधर से गिना जाता है, हमेशा दहाई आ जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कहने का मतलब कह रहा था कि 202,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,000 हो गया, 10,000, लाख। तो 202,000 हो गया। नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। तो दोस्तों देखते हैं, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या दोस्तों 1/5 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी कि 6 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या 1/5 0। और कह रहा है कि तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 4 गो हो गया। और इसका कह रहा है दोस्तों कि अंतर यानी कि घटाओ, घटाइए, 0 है हासिल देंगे, 10 होगा, 10 में से 9 जाए गया 1, अब ये बचा 9, 9 में से 9 गया 0, ये भी बचा 9, 9 में से 9 गया 0, ये भी बचा 9, और 9 में से 9 गया 0, अब ये 9 बचा तो 9 का 9 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं है। तो आपका ये हुआ आंसर। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 3 ब्रैकेट में है और कह रहा है कि इसको सरल करने का प्राप्त होता है। इसको सरल करने के लिए क्वेश्चन को कह रहा है, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, 6 × 7 / 11 × 3 − 12 − 4 × 2। इसको बोल रहा है सरल कीजिए, सरल करते हैं। यहाँ पर सोल्व लिखेंगे, 3 × 3 = 13 + 13 + 6 = 42, भागा फिर 11 * 33 माइनस है, फिर कोष्ट में 12 माइनस है, 4 × 8, अब होगा ये 3 × 13 = 55, 3 × 2 = 5, 4 × 5 भागा ये होगा 33 माइनस, और 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, कोष्ट टूट गया। तो अब ये 3 से 55 में गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 = 16। अब इसको भागा करेंगे 33 से और माइनस 4, तो पहले भाग होता है तो भाग करिए तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 16, यानी कि दोस्तों 5 में से 4 गया 1, यानी कि आंसर होगा आपका 1। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों प्रथम 4 अभाज्य संख्या होगा 2, 3, 5, 7। जोड़ते हैं, कह रहा है कि ये प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताइए क्या होगा। दोस्तों 2 + 3 + 5 + 7, 3 × 5 = 5, 10 + 7 = 17। अब कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि 12
पूर्णांक 1/16 का दशमलव